पे जोड़ देते हैं कि ऐसे लोगों को लगता है एक ही दिन हुआ था, साथ सस्ते से होटलों में ठहराते हैं या फ्लाइट में अजीब सा वो सौतेला व्यवहार है उनके साथ। तो जब तक आप पढ़े लिखे आदमियों को सर पे नहीं बिठाओगे तो फिर ज्ञान कैसे आएगा। तो राइटर जो है वही फिल्मों को बचा सकते हैं। अगर उन सबकी अगर हमने रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी इसी साल से, तो अगले साल मैं कह रहा हूँ 50 फिल्में हिट हो सकती हैं। बाहुबली जैसी और फिल्में भी बना सकते हैं। सब कैसे भी बनाओ बट राइटर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। जो बुनियाद ही अगर कमजोर होगी तो उस पर बिल्डिंग कैसी खड़ी होगी। गेम ऑफ थ्रोन्स की जो राइटिंग टीम है वो तबाही है, मतलब हाँ, क्या है हर एक की चीज की, मतलब ये ट्रू डिटेक्टिव हो गया या जो भी है। मैं तो राइटर रह चुका हूँ इसलिए ये दर्द समझता हूँ। एक बड़ा बड़ा मुद्दा ये भी है कि राइटर, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स बोलते हैं हिंदुस्तान में अच्छे राइटर्स की कमी है। आप सड़क पे निकल के तो देखिए, या आप एक ब्रिज तो बनाइए। बहुत सारे राइटर झोले में अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं भी घुमाऊँ 11 महीने, किसी ने पूछा मैंने 10 मिनट में डाल दी, क्योंकि मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाता। मुझे रिसेप्शन से कह देता साहब बिजी है, जबकि साहब को अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। आपने अपने आसपास इतना बड़ा एक दायरा बनाया हुआ है सिक्योरिटी का, जो आप, मुझे नहीं लगता कि आप गलत हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके आपके बिहाफ पे कौन हैंडल कर रहा है चीज़ें, आपके बिहाफ पे कौन मना कर रहा है, आपके बिहाफ पे कौन रिजेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन आपको नॉक कर रहा है, कौन अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो देखना तो चाहिए क्या है। तो मुझे नहीं लगता है राइटर्स की कमी है, राइटर्स बहुत है। राइटर्स और मेकर्स के बीच में एक ब्रिज की कमी है जो कि होना चाहिए। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पोर्टल होना चाहिए या तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ठीक है आप किस किस के लिए दरवाज़ा खोलेंगे, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे स्क्रिप्ट डाल सके, जहाँ एक सिक्योरिटी दी जा सके, लोग पढ़ सकें और उनकी स्क्रिप्ट भी सेफ रहे और उनको सही प्लेटफॉर्म भी मिले। तो ऐसा कुछ होना चाहिए तो हमारे यहाँ फिर कंटेंट सिनेमा का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और राइटर्स को टाइम से और अच्छा पैसा दिया जाना चाहिए, जैसे दीपक भाई ने कहा। उसको शांति चाहिए। राइटर की जो रिस्पेक्ट है वो पेमेंट पे बात। आप वैसे कर लो वार्डन राइटर, क्योंकि राइटर के साथ में सेल्फी खिंचा देता है, नई दुनिया क्रिएट कर देता है। नहीं, ये होता ना, नई दुनिया क्रिएट कर देता है, कहीं से कहीं ले जाता है, ये कंटेंट को यहां वो ले जा, ओ माय, ये नहीं है रिस्पेक्ट। ये तो और आम आदमी भी करेगा, जो जो पब्लिक है वो भी करेगी। आप पेमेंट दीजिए, पेमेंट राइटर की रिस्पेक्ट है, असली रिस्पेक्ट है पेमेंट, एक अच्छी खासी पेमेंट, हमसे अच्छी खासी पेमेंट वो दीजिए उसे। इनफैक्ट कोई भी जॉब होती है, मतलब काम अच्छा करे तो अप्रिसिएशन अपनी जगह है, लेकिन हम हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, हॉलीवुड से इंस्पायर होते हैं, वहां से हम ये वाला कल्चर देखते नहीं। आप, मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि वहां राइटर्स को डायरेक्टर से ज्यादा पैसा मिलता है, रॉयल्टीज मिलती है, वो सब। तो हम बाकी चीजों में तो देख रहे हैं हॉलीवुड की तरफ, इस मामले में हमने इग्नोर करके रखा है। जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट आया वहां से, कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे कुछ 100 फिल्में बना रही है, वो जो इंग्लिश लिटरेचर है उनकी जो कहानी है, स्टोरीज है या नॉवेल्स हैं, उनके ऊपर बेस आप अडॉप्ट कीजिए, इंडियनाइज कीजिए और उन कहानियों को बताइए, कि ताकि वो उनका जो पूरा जो यूथ है वाईफाई की तरफ भाग रहा है या कंप्यूटर उस पर चल रहा है, नेटवर्क पे, वो किताबें पढ़ना छोड़ चुका है। तो किताबों के लिए दोबारा से इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ पता नहीं 300-400 करोड़ का कुछ पैसा फेंका इंडिया में कि ये लिटरेचर के ऊपर आप स्टोरीज बनाइए। तो ये वो कर रहे हैं, है ना। तो हम अपनी कहानियां भूल चुके, हम एग्जांपल में जो ये जो वेब सीरीज का जो पूरा ट्रेंड चल रहा है, गेम ऑफ थ्रोन से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है, या वो जो है नार्कोज, उससे नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और वो सारी क्यों, सारी सीरीज यहाँ पे फेल है, क्योंकि बोरोड एक्सप्रेशन है, बोरोड आइडिया है, उधार के आइडिया लेके आप बना रहे हो। वो चीज ऑलरेडी देख चुके हैं ऑलरेडी, यार क्या कर रहे हो, मतलब ये है अपने यहां का निकालो। तो यहां सोचो, गली गली में कहानियां है हमारे यहां, जितने कल्चर है उतनी कहानियां है और हर कहानी इंटरेस्टिंग है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं, डीवीडीज लेके आते हैं, अरे ये कहानी अच्छी, तेरे बाजू में तेरे वॉचमैन की कहानी कितनी अच्छी है, तूने उसको देखी ही नहीं है, डीवीडी लेके आ रहा है, ये कहानी अच्छी, तो सोचने वाली बात है। इनफैक्ट जैसा कि आपने बोला भी कि बजरंगी भाईजान, दंगल या बाहुबली, ये सब यहीं की कहानियां हैं, तो और मैंने आपको एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें आप बोल रहे थे कि आप एक कैफे में जाके बैठ जाते हैं और जो भी स्ट्रगलर आता है आप उसका हेल्प करते हैं। तो बहुत ही कम ऐसा देखा गया कि मतलब एक्टर्स होते हैं थोड़े सेल्फिश होते हैं, यार मैं इसकी मदद क्यों करूँ, मेरा रोल ले लिया तो यार, तो आपको वो इसलिए यार कि अगर आपको अपनी हैसियत नहीं पता है कि यार आप वहीं के वहीं कर रहे हो, चाहे आप 20 काम कर रहे हो लेकिन वहीं के वहीं हो, है ना, एज एन एक्टर जो अंदर का है, तो फिर क्या फायदा उस काम का, है ना, पैसे कमाने के लिए, यार बहुत सारे जरिए पैसे कमाने के, तो नहीं, तो आपको वो रोल जो टैलेंटेड है उसको देना है,
भाई, ताकि एक अच्छा सा माहौल बने, ताकि और अच्छी क्रिएटिविटी फैले, ताकि वो वहां से घूम के कुछ मेरे पास कुछ अच्छा सा माल आए, है ना, चाहे 2-3 साल बाद आए लेकिन अच्छा सा आए। तो क्रिएटिविटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमें, क्वांटिटी वाला जो हमारा इंडियंस का वो है ना, हर चीज हम लोग आंकड़ों पे देखते हैं, इस फिल्म ने इतना कमा दिया, वहाँ पे इतने सारे वोट मिल गए, यहाँ पे ये हो गए, सब चीज क्वांटिटी पे है, उसने इतने करोड़ मांग लिए, इतने करोड़ कमा ली, नहीं हमें क्वालिटी पे रहना है। तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप अपनी क्वालिटी बनाते हो या सिर्फ दिखाते हो, तो भाई मैं मानता हूँ, उसी पे चलता हूँ, वो आपको कैरी करना पड़ता है रियल लाइफ में। और दीपक भाई की बात में एक्सटेंड करूँगा कि जैसे मान लो दूसरे को हेल्प करना, कि आपका सवाल क्या यार, अपना अपने पेट पे, यहाँ कोई किसी के पेट पे लात नहीं मारता। जैसे दुनिया में हर प्राणी यूनिक है, ऐसे हर टैलेंट भी यूनिक है, जो ये कर सकते मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता ये नहीं कर, हर यूनिक है। तो दूसरी बात यह है कि जब हम आए थे, मतलब अपने स्ट्रगलिंग उसमें थे, हमें कोई हाथ पकड़ के ऐसे हेल्प करने वाला नहीं था, तो हमें वो जर्नी पता है, हमें वो फीलिंग पता है कि वो क्या कैसे देख रहा है हमारी तरफ। तो उस जर्नी को हम करके आए हैं, उसकी जगह पे हम बैठ चुके हैं, इसलिए दीपक भाई की भी शायद ऐसी फीलिंग आती होगी, मेरी तो मेरी भी ऐसी आती है कि हाँ मैं उसको समझ पा रहा हूँ, उसका इमोशन इस वक्त क्या कर रहा है, और ये मैं करने वाला नहीं हूँ, ये कर लेगा तो इसका भला हो जाएगा। क्योंकि हमारे हमें तो किसी हमारा ना कोई गॉडफादर है, ना कोई हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में हम गोल्डन स्पून लेके आए हैं, तो वही अपनी जर्नी खुद जैसे तैसे की है, तो वो समझ में आता है कि यार वो उस दौर से गुजर रहा है और जन्मी ने, तो उसको शिफ्ट करने में कोई बुराई नहीं है, हमारे पेट पर कोई लात नहीं मारी, हमारे पेट पर कोई लात नहीं मारी। तो लास्टली फुल्लू जैसे रिलीज हुई थी पहले, अभी सुना कि फिर से रिलीज हो रही है, हाँ, तो उसका रीजन क्या है? ये एक बहुत अच्छा कल्चर शुरू हो जाएगा, पहली बार हो रहा है, और मतलब मैंने कितनी कोशिश करी कि फिल्मिस्तान रिलीज हो जाए, मैं ये थॉट मतलब मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे आज तक मेल आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं, बाहर से आते हैं कि ये फिल्म मैंने पहले क्यों नहीं देखी, इतने दिन क्यों नहीं देखी, तो एक रिग्रेट वाली फीलिंग के साथ आते हैं, अरे यार ये सिनेमा मैंने मिस कर दिया। तो मुझे लगता है मैं ये बात तब भी करी थी कि क्या ऐसा, क्योंकि उस वक्त बहुत कम 400-500 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी, बहुत कम लोगों ने देखा था, और जिन्होंने भी देखा था वो वर्ड ऑफ माउथ पे चली थी। तो क्या होता है कई बार प्रमोशन से या दूसरे और रिसोर्सेज से हम ऑडियंस खींच लाते हैं, तो 4 ने देखी वो 8 को बताएंगे, 8 ने देखी वो 16 को बताएंगे, 100 देखेंगे तो 500 को बताएंगे, या जैसे, तो वो मल्टीप्लाई ऐसे होता है, जब देखी ही 4 ने तो ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम कितने देख लेंगे। तो ये एक अच्छा कल्चर है, फुल्लू जैसे अभी 100 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई थी, मेरा तो उसमें छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस ही था, तो फिल्म अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है, लोगों को किसी ने फिर इंटरेस्ट दिखाया नहीं यार ये बेटर डिजर्व करती है, तो अब उसको री रिलीज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है उस तरह की फिल्मों के लिए जो नेग्लेक्ट हो गई हैं या निगाहों से मतलब गुजर गई हैं, इग्नोर हो गई हैं, अंडर एस्टिमेटेड करके उनको हमले वो कर दिए। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं फिल्मिस्तान ये वही फिल्म थे ना, ये यंगिस्तान नहीं बैंगिस्तान, ऐसा अभी भी कंफ्यूजन है। तो मैं सिर्फ फिल्मिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जैसे आंखों देखी एक कमाल की फिल्म है, बहुत सारे लोगों ने उसको मतलब सिनेमा में नहीं देख पाए क्योंकि स्क्रीन्स नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों ने उसको डीवीडी या उस पर ही देखी है, तो जो भी मिलता है उसकी तारीफ करता है, इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं। तो सिनेमा एक मतलब सिनेमैटिक एक्सपीरियंस तो पर्दे पे ही आता है ना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिस हो गई यार, डीवीडी पे देख के मज़ा नहीं आया, मेरे पास पर्सनल थिएटर तो है नहीं कि मैं बड़ा सा उसमें देख लूँ, सिनेमा पे देखना चाहता हूँ। तो ये सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ज़रूरी है उन सारी फिल्मों के लिए जो निकल गई और डीवीडी या इंटरनेट पे देखी जा रही है। बहुत अच्छी शुरुआत है, मेरी शुभकामनाएं फुल्लू के लिए, और मैं चाहता हूँ, दुआ है मेरी कि ऐसी बहुत सारी फिल्मों के लिए रास्ते खुले, री रिलीज़ का एक कल्चर हमारे यहाँ हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेमा को सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के साथ बड़े पर्दे पर देख सकें। Thank you so much. It was really great talking to both of you. And I hope Lucknow Central becomes a blockbuster. Thank you so much. आपकी आगे की फिल्मों के लिए भी I'm waiting. Thank you. Thank you. Thank you.